hello everyone this is your mitsar and i welcome you all in english class students today we are going to discover a very beautiful funny and cute poem milk for the cat this poem is written by harold munro harold munro is a very famous british poet who had also contributed lots of things in the field of psychology हेरोल मोन्ो ने बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों और अपने ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो वो साइकोलॉजिकल uh, पोएम्स को लिखा है जिसमें उन्होंने ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल बीइंग्स दोनों के साइकोलॉजिकल कंडीशंस और बिहेवियर के बारे में uh, बताया है इवन इन दिस पोएम वी वी विल अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ अ पोइट sorry of a uh, cat so let's start the poem when the tea is brought at 5 o'clock when the tea is brought at the 5 o'clock and all the curtains are drawn with care the little black cat with bright green eyes is suddenly purring there so the family is sitting on a tea table

पहले वो ये प्रिटेंड करती है कि उसको कोई काम नहीं है शी हैज़ यूजली कम बट शी हैज़ कम इन मेरी टू ब्लिंक बाय द ग्रेट वह जो है ग्रेट के पास आई है इट्स अ विंटर टाइम और ग्रेट का मतलब होता है घर में जहाँ पर लकड़ी जलाई जाती है उसके सामने का इलाका उसके सामने का जगह इट्स अ ग्रेट तो शी हैज़ कम टू इन्जॉय द ग्रेट बट Thou tea may be late or milk may be sore, she is never late. The poet is saying that she is never late. Cat kabhi late niyotia. This is the regular time to visit in the house. And the cat every day comes to the home at this tea time. And presently, and presently her agate eyes.

वो इंडिपेंडेंट कैजुअल ग्लांस लेती है दैट मीन्स शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग हेयर एंड देयर दैट दूध आ रहा है मिल्क आ रहा है उसके लिए या नहीं आ रहा है दैट मीन्स विदाउट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज शी इज जस्ट ऑब्जर्विंग दैट द मिल्क इज कमिंग और नॉट कमिंग देन शी स्टैम्प्स हर क्लॉज ऑन और लिफ्ट्स हर ईयर्स

मूव कर रही है बिगन्स टू स्टर ट्राइंग टू टेक द अटेंशन ऑफ द पीपल टिल सडनली ऑल हर लिटिल बॉडी बिकम्स वन ब्रीदिंग ट्रिम्बलिंग पर फिर उसके बाद पूरा बॉडी जो है उसका वो एक बार ट्रिम्बल हो जाता है ट्रिम्बल मीन्स वाइब्रेट हो जाता है कांपता है और वो एक बार फिर से पर करती है पर मीन्स शी इज प्रजेंटिंग द साउंड ऑफ मियाओ मियाओं को मियाओ साउंड जो है इन इंग्लिश उसके लिए एक वर्ब है दैट इज पी यू डबल आर इट्स कैट्स साउंड नाउ दिस इज द वेरी क्रूशियल टाइम फॉर द कैट बिकॉज शी इज वेटिंग दैट द मिल्क विल कम फॉर हर वो वेट कर रही है कि उसका उसके लिए जो है वो दूध आएगा द चिल्ड्रेन ईट बिकॉज इट्स अ टी टाइम फॉर द फैमिली मेंबर द चिल्ड्रेन

प्रॉपर देअर क्लोथ्स अपने कपड़े को ठीक कर रही है घर की दो ऑल्ड लेडीज बट द कैट इज ग्रोन स्मॉल थिन विथ डिजायर ट्रांसफॉर्म्ड टू अग लस्ट फॉर मिल्क बट कैट का कंडीशन क्या है द कैट इज ग्रॉन स्मॉल एंड थिन विथ डिज़ायर अब कैट जो है वो ग्रोन स्मॉल देखो यहाँ पर किस तरह का वर्ड लिया गया है ग्रॉन स्मॉल ग्रोन एक तरह से बढ़ने को बोलते हैं एंड स्मॉल इज छोटा तो दिस काइंड ऑफ टू ऑपोजिट वर्ड्स कभी कभी अगर टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टुगेदर साथ में आ जाते हैं तो उसको ऑक्सीमोरन बोला जाता है लिटरेचर में ऑक्सीमोरन जब दो ऑपोजिट वर्ड एक जगह पर दिखाई दें और उनका एक ही मीनिंग हो ठीक है तो ग्रॉन स्मॉल मतलब वो और भी ज़्यादा छोटी हो जा रही है थीन हो जा रही है थीन मतलब दुबली होती जा रही है विद डिजायर डिजायर मीन चाहत में ठीक है तो इस तरह से इफ द टू ऑपोजिट वर्ड्स कम टूगेदर इन वन लाइन देन दैट इज कॉल्ड ऑग्जी मोरन ओके लाइक हॉट कॉल्ड ठीक है तो अगर हॉट कॉल्ड को एक जगह पर लिखा जाए एक साथ दैट विल बी ऑग्जी मोरन ट्रांसफर्ड ट्रांसफॉर्म्ड टू अ क्रीपिंग लस्ट फॉर मिल्क अब कैट के अंदर जो है एक लस्ट आ गया है लालच आ गया है मिल्क का उसका डिजायर जो है उसको पागल बना रहा है द वाइट सॉसर नाउ द मिल्क हैज कम द वाइट सॉसर लाइक सम फुल मून डिसेंड्स एट लास्ट फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द टेबल अबव शी साइज एंड ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोव ट्रांसफिगर्ड विथ लव द मिल्क हैज कम बिल्ली के लिए अब दूध आ गया एंड वो दूध जो कि अभी तक टेबल पे रखा हुआ था इनर सॉसर सॉसर मीन प्लेट एक प्लेट में जो रखा हुआ था वो जैसे जैसे नीचे आ रहा था दैट वाज लाइक अ फुल मून डिसेंस जैसे रात में पूरा चंद्रमा नीचे उतरता है रात ढलने के टाइम पर तब उसी तरह से ये प्लेट भी टेबल से नीचे आ रहा था फ्रॉम द क्लाउड्स ऑफ द टेबल टेबल के ऊपर क्लाउड्स कैसे हो सकते हैं लेकिन टेबल के ऊपर दूध रखा हुआ था पहले से ही लेकिन अब वो दूध जब नीचे लाया जा रहा है द कैट इज इन अब उसको चैन की सांस आई ड्रीम्स एंड थ्रिल्स एंड ग्लोज अब वो सपने देखने लगी थ्रिल्स हो गई वो एकदम एक्साइटेड हो गई शी इज़ वेरी एक्साइटेड एंड ग्लोज शी इज जस्ट शाइनिंग ट्रांसफिगर्ड विथ लव अब फर्स्ट वाले स्टैंडा में शी वॉज इन लस्ट ऑफ मिल्क वह मिल्क के लालच में थी एंड दिस टाइम शी इज ट्रांस फिगर्ड विथ लव अब वो मिल्क uh, uh, के लव में डूब गई शी ने द शाइनिंग रिम बरीज ह चिन इन द क्रीमी सी हिल हैंग्स लूज ईच ड्रॉजी पॉ इज डबल्ड अंडर ईच बडिंग नी नाउ इन दिस स्टैंड द कैट इज टेकिंग मिल्क फ्रॉम द सॉसर उस प्लेट से वो कैट जो है वो अब दूध ले रही है पी रही है एंड अब उसका क्या है उसके बॉडी का क्या कंडीशन है हर टेल हैंग्स लूज अभी तक जो टेल को वो हाई किए हुए थी अब वो लूज हो गया दैट मीन्स शी हैज़ कम्प्लीटली लॉस्ड इन ड्रिंकिंग मिल्क उसके पॉज जो अभी तक साउंड कर रहे थे वो भी एकदम शांत हो गए डबल द अंडर ईच बेंडिंग नी अपने नी पर झुक करके शी इज जस्ट हैविंग द मिल्क इवन इन दिस फिगर यू कैन सी दैट अ लॉन्ग डिम स्टैसी होल्ड हर लाइफ नाउ शी इज इन स्टैसी ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क स्टैसी मीन्स मजा दैट्स वन वर्ड शी इज इन एंजॉयमेंट ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क हर वर्ल्ड इज एन इनफिनिट शेपलेस वाइट अब उसका पूरा दुनिया जो है वो शेपलेस हो गया दैट्स वाइट बिकॉज शी इज वॉचिंग नथिंग बट मिल्क वह सिर्फ दूध को देख रही है मिल्क को देख रही है एंड शी इज वॉचिंग नथिंग शी इज जस्ट शी हैज लॉस्ड हर सेल्फ इन ड्रिंकिंग मिल्क टिल हर टंगल्ड द लास्ट हॉली ड्रॉप उसका जीव जो है उस सॉसर के लास्ट ड्रॉप तक को एन्जॉय करना चाहता है देन शी सिंक्स बैक इन टू द नाइट और फिर जो है वो नाइट के लिए सिंक हो गई मतलब रात के नींद में वो चली गई ड्रॉज एंड डिप्स हर बॉडी टुल हीप अपने बॉडी को उठा करके एक ऊंचाई पर पहुंचा देती है इट्स अ हीप वट इज अ हीप दैट्स अ आर्म चेयर एक आर्म चेयर पर पहुंचा देती है हर स्लीप पी नर्व्स इन द ग्रेट आर्म चेयर एक बड़े से आर्म चेयर पर वो जाकर के अपने आप को लूज कर देती है अपने आप को ढीला छोड़ देती है लाइज डिफीटेड एंड बरीड डीप अब वो लगता है कि एकदम पूरी तरह से सेटिस्फाइड है डिफीटेड एंड एकदम लेजी हो गई है एंड थ्री और फोर आवर्स अनकॉन्शियस देयर अब वो तीन से चार घंटे वहाँ अनकॉन्शियस हो जाएगी दैट मीन्स शी विल टेक अ स्लीप साउंड स्लीप बिकॉज हर बेली हर स्टमक इज़ फुल विथ हर डिज़ायर अपने अपनी इच्छा से वो अपने पेट को भर चुकी है बिकॉज वॉट इज़ हर डिज़ायर द डिज़ायर वॉज द मिल्क उसका मिल्क जो है वो उसका डिज़ायर था और उसको अपने मन की मुराद वाली चीज़ें मिल गई हैं एंड शी इज़ सेटिस्फाइड विथ हर अचीवमेंट एंड फाइनली वो एक आर्म चेयर पर चली जाती है एंड शी इज फास्ट स्लीप अब वो बिल्कुल सो जाती है सो स्टूडेंट्स वट वी हैव सीन इन दिस पोएम वी हैव सीन इन दिस पोएम द साइकोलॉजी ऑफ खैट साइकोलॉजी ऑफ कैट इज दैट द खैट इज अ लस्टी एनिमल फॉर मिल्क आप दूध को कहीं भी छुपा कर रखो कैट उसको ढूंढने का पूरा प्रयास करती है पूरा कोशिश करती है एंड इन दिस होल पोएम द पोइट हैज़ प्रजेंटेड द एफर्ट द साउंड एफर्ट साउंड एफर्ट मीन्स एक एक पॉजिटिव एफर्ट ऑफ अ कैट टू गेट द मिल्क सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम होप यू हैव इन्जॉयड अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें and like zurukare and if you have any doubt dm me in the comment box thank you have a nice day enjoy learning